चल नहीं नहीं आप खाएं शुरू करें, मामा जी पापा मैं भी बस आ जाती हूँ। मामा जी पापा हाँ जी। का दिल कर रहा कुछ इस तरह का खाने का, पापा करते शुरू करो। आलू वाले नान है और क्या है साथ? रायता। किधर से लेके आए आपने? बहरिया कितने दूर से? वहां से। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जल्दी से आज के व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बेबी यू गिव मी आइस एंड फायर, यू गिव मी विंड एंड रेन। मौसम आज है बहुत ठंडा, आज बारिश का मौसम है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। टेंशन ना लिया करो, जब घर चल बन जाएगा सारा कुछ ये बंद हो जाएगा। मैं होता हूँ आजकल टेंशन में, काम टेंशन में होता, काम में हो जाए ना फिर देखना। तो जनाब यहाँ पे जो है ना, मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना, वो किचन के लिए सिंक लेने के लिए जा रहे हैं। किचन के अंदर जो है वो सिंक अपने का लगवा लेते हैं। तो अब सिंक जो है ना, वो उन्होंने तो पहले एक देख लिया हुआ है, लेकिन मैं कह रही थी कि नहीं, मैं एक मॉडर्न सा डिज़ाइन देखा था नेट के ऊपर, तो मैंने कहा मुझे ना वो वाला लगवाना है। तो वो मुझे बेसिकली साथ लेके जा रहे हैं कि आप चलें तो आप पसंद कर लें, तो फिर मैं बाद में ले आऊँगा। तो हम यहाँ पर जा रहे हैं, ये ना बिल्कुल कसूर रोड वाली साइड पर चल पड़े। तो मैंने कहा यहाँ पर कहाँ पर दुकानें मिलनी हैं भाई, लाहौर वाली साइड पर जाएँ। पैसे नहीं है मेरे पास, नहीं है, मैं तो खाली मोबाइल ही है, नहीं है होते तो मैंने दे देना, तो है ही नहीं है। तो जनाब यहाँ रास्ते में आ गई है एक दुकान, और यहाँ से मेरे हस्बैंड ने पहले कोई खीर ट्राई की हुई और कह रहे हैं बड़ी मज़ेदार है, मैं आपको भी खिलाता हूँ। तो बस फिर हम यहाँ पे बैठ गए हैं। कोई लोकल सी शॉप थी, पर खीर उनकी काफ़ी टेस्टी थी, बड़ी मज़ेदार थी, और आज दिन भी बड़ा ठंडा ठंडा सा था, तो बड़ा ही मज़ा आया फिर हम लोग यहाँ से खीर खाने का। तो बस यहाँ पर हम खीर खा रहे हैं, और उन्होंने तो दूध का ना एक बोल सा खुश्क दूध का वो बनाते हैं, तो वो भी डलवाया बीच में, बड़ा मज़ेदार था। तो पहले हमने कहा खीर खा लें फिर चलते हैं शॉप पर। तो यहाँ पर हम एक शॉप में आए तो हैं, लेकिन यहाँ पे वो जिस तरह का डिज़ाइन मैं चाह रही थी ना, वो वाला डिज़ाइन नहीं था। ये वाला सिंक तो थे, लेकिन अच्छी क्वालिटी की थे, काफ़ी हैवी थे। और ये वैनिटी मैं उससे पूछ रही थी कितने की है, तो वो कह रहा था ये 14,000 की वैनिटी है। कितनी छोटी नन्नी मुन्नी सी है, बड़ी महंगाई हुई हुई है। अब हमें ये किसी और सोसाइटी, सेंट्रल पार्क सोसाइटी में आए हैं, और यहाँ पर एक शॉप पर हम लोग ना पता करने लगे हैं, शायद यहाँ से मिल जाए। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, मे बी यहाँ से न्यू डिज़ाइन वाला मिल जाए। तो यहाँ ये बाउल्स पड़े हुए थे, जो बेसन होते हैं मुंह धोने वाले, तो ये भी पड़े हुए थे, अच्छे थे ये भी। और बस अब वो आदमी ढूंढने गया है जो हमने उसको डिजाइन, ये वाली टूटी चेक करें इधर, ये अच्छी लग रही है ना टैप, ये वाली है ना। तो आप जी जनाब हम घर आ गए हैं, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ना मुझे जल्दी से सरप्राइज़ दे दिया कि ना अम्मी के घर चले जाते हैं, क्योंकि ये कल मैंने रिकॉर्ड किया है व्लॉग, यानी जुमे वाले दिन का, आज सैटरडे को मैं अपलोड कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि बच्चों को छुट्टी भी है हफ्ता इतवार की, तो चले वहाँ पर चलते हैं। तो बस मैं उनको कह रही थी कि आप भी आ जाए, मैं आपका सूट प्रेस कर देती हूँ। तो बस अभी हम लोगों ने इन ड्राइव को बुला लिया, और बाकी वो जो सिंक है ना, वो जब लगेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमें एक दो शॉप से वो न्यू डिज़ाइन मिल गया था, और यकीन करें न्यू डिज़ाइन वाला जो मैं कह रही थी ना, वो इतना ज़्यादा महंगा है, वो हमें मिला है 8,000 का, और 10,000 के करीब रेंज में ना वो हमें बता रहे थे उसका, ये इतने का मिलेगा तकरीबन। भी आया तो नहीं है हाँ, पर वो मिली तो उसे को पीछे आए ना, वो उधर जाके खड़ी हो गई है। वो यहाँ पे लोकेशन का थोड़ा सा मुझे लगता है इशू है ना, उनको लगता है उधर को जाना आ रहा 385 पे होता है, वो उधर जाके खड़े हो लग रहा हो गया। आदिया तो वही कह रही है, वही है तो कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। अच्छा आपके बाबा ना, आपके बाबा जब होते हैं ना साथ में, तो फिर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं जब भी अकेली मंगवाती हूँ ना, तो यहीं पे गाड़ी आ जाती है, यहीं पे आते हैं सामने, याद है ना। लेकिन बाज़ दफ़ा ये लोग करते भी ऐसे हैं, इनको पता नहीं चलता है ना। नहीं बाज़ दफ़ा गाड़ी है तो क्या है, हम किस पे जाते हैं, एरोप्लेन पे। आ दिया आप भी ना, बाज़ दफ़ा ना इनको वैसे भी पता नहीं चलता है, इनको कहो कुछ जाते किधर को है, अब पता नहीं वो है भी है कि नहीं। आपके पापा जा तो रहे हैं उसके पास, वही है हाँ वही वाली है। चलो जी शुक्र है मिल ही गई है। नजर आ गया, अम्मी रोटी खा रही थी, हमने ऊपर से छापा मार दिया, अम्मी की उधर ही चाट और रोटी रख के अम्मी बाहर चली गई है। आहा इधर टिकिया कटलेट्स ना खाए थोड़ी सी, आई कहाँ से। तो जनाब हम जो है ना वो अम्मी की तरफ आ गए। पहले तो हमारा सैटरडे वाले दिन का प्लान था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा चलो कोई बात नहीं बच्चों को छुट्टी है। तो शाम को उन्होंने अचानक से बस मुझे कह दिया कि चलो चलते हैं, तो मैं भी मान गई। मैंने कहा कि चलो अदनान की जो है ना वो आजकल नाइट शिफ्ट चल रही है, तो फिर मैंने कहा कि वो भी घर नहीं होंगे, तो चलो हम लोग भी चले जाते हैं अम्मी की तरफ। तो अम्मी ने यहाँ पर जो है ना कबाब वगैरह तले थे, और बाहर से चाइनीज़ राइस और ये चिकन मंचूरियन वगैरह मंगवाया था, और चिकन मंचूरियन की ना खाली सॉस रह गई है, बच्चे चिकन के पीसेज निकाल निकाल के उसमें से खा गए हैं, और सॉस मेरे लिए रख गए हैं उसकी, ये लें आप खाएँ।
तो मैं, मुझे ये भी अच्छी लग रही थी तो मैं चाइनीज चावलों के ऊपर डाल के ना ये खा रही थी। किधर जा रही है? टाइम हो गया, इस टाइम पे 11 बज रहे हैं। चलिए जी, यहाँ पे हम लोग खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है और इस टाइम तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, 11 बज चुके हैं और अदनान जो है ना वो अपनी जॉब पे 11:30 बजे के करीब जो है ना वो जाते हैं। तो हम सब लोग उनको ना गाड़ी पे उनकी जॉब प्लेस पे सी ऑफ करने के लिए जा रहे थे। सब लोग इस टाइम पर बड़े एक्टिव थे, बच्चे भी एक्टिव थे, मम्मी भी एक्टिव थी और मैं भी, और हमने कहा कि चलो बाहर चलते हैं, अदनान को भी छोड़ देंगे और साथ में ना वापसी पे आते हुए कुछ मीठा फलूदा वगैरह खाते हुए आएंगे। तो सारे ही तैयार हो गए और सारे ऐसे एक्टिव थे जैसे सुबह का टाइम हुआ हुआ है। बच्चे तो ऐसे थे जैसे उनको नींद दूर दूर तक छू के नहीं गुजरी है। तो हम लोग जो है फिर इस टाइम सारे जो है ना वो बाहर ज़रा इन्जॉय करने के लिए जा रहे हैं। तो भाई यही तक था आज का व्लॉग, आज मुझे इतनी रिकॉर्डिंग का टाइम मिला है। बाकी सिंक विंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन सा लगवाया है और सिंक की प्राइसेस भी बताऊँगी। हाँ ये बात मैं आप लोग को बता दूँ, जो नॉर्मल छोटा सिंक है ना वो हमें 3,000 में मिल रहा है और जो बड़े वाला जो अच्छा डिज़ाइन वाला सिंक मैंने पसंद किया है ना वो हम लोग को 8,000-9,000 में मिल रहा है। तो इट्स अ बिग डिफरेंस इन प्राइसेस। आप देखें कि हम अपने बजट के हिसाब से कौन सा लगाते हैं, जाहिर बात है बजट से आउट तो नहीं होना। तो बाकी जी यही तक थी आज की नन्ही मुन्नी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।